हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंड ओपन लर्निंग के तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज हो गया है। दोस्तों, ये जो नोटिस है ये मार्क्सिस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। यस दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा FY और SY, चाहे वो BA हो या BCom हो, ठीक है, इन सभी स्टूडेंट का मार्कशीट आ चुका है। आपको कब कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, कितने बजे कलेक्ट करना है, सब डिटेल वीडियो इसमें बताने वाला हूँ। जितने भी पुराने स्टूडेंट है FY SY के, या जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है, जितने भी सेशन वाइज स्टूडेंट है, सभी का डिटेल बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्क्सिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जितने भी FY SY BCom या BA के स्टूडेंट हो, और ये जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो या जनवरी दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हो, या जो हमारे एनुअल पैटर्न है विंटर सीजन के ऑल एंड रिपीटर, कहने का मतलब है FY और SY BCom के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है जुलाई सेशन और जनवरी दिसंबर सेशन, या जो हमारे एनुअल पैटर्न के ऑल और रिपीटर स्टूडेंट है, एटी केटी के स्टूडेंट है, इन सभी का मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू कर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों देखते हैं, और डिटेल में हम देखते हैं दोस्तों कि इधर उन्होंने लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FY SY BCom BA, जो मैंने ऊपर बताया जुलाई सेशन जनवरी दिसंबर सेशन एनुअल पैटर्न के जो स्टूडेंट है विंटर सीजन के ऑल एंड रिपीटर, ये सेम लाइन ऊपर वाला नीचे रिपीट किया हुआ है। स्टार्टेड फ्रॉम 4 जनवरी 2022, 4 जनवरी मतलब कल से ही चालू हो चुका है। स्टूडेंट कैन कलेक्ट दिस देयर मार्कशीट बिटवीन 11 to 4, मतलब आप 11 से लेके 4 बजे के बीच में जाके अपना मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन बीच में लंच टाइम है 1 से लेके 1.5 बजे तक, तो आप 1 बजे से लेके 1.5 बजे तक आप कोई भी जाके अपना मार्कशीट कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका लंच टाइम है। देन आपको मार्कशीट अगर कलेक्ट करना है ऑन वर्किंग डे, आपको वर्किंग डे में ही जाना है जो उनका चालू है, मतलब सैटरडे संडे आपको जल्दी नहीं जाना है, ठीक है। और अब आप अगर अपना मार्कशीट लेने जा रहे हो, तो पहली बात आती है कि आप डॉक्यूमेंट क्या लेके जाए। तो आपको जो हॉल टिकट दिया गया था ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। आपके हॉल टिकट के प्रिंट आउट के बिना आपको लोगों को नहीं मिलेगा। हॉल टिकट अवेलेबल है स्टूडेंट के पास एग्जामिनेशन लॉगिन, जो आप अपना पोर्टल पे लॉगिन आईडी डालते हो और अपना पोर्टल ओपन करते हो आपका अकाउंट आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो उसी समय आपका हॉल टिकट वही आपके ही आईडी पे अवेलेबल है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपना मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो। रूम नंबर 211 में जाना है, मतलब 211 में जाना है, जो सेकेंड फ्लोर पे है। उन्होंने नीचे अपना एड्रेस दिया हुआ है कलीना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो इस जगह पे दिख रहा होगा इस दो लाइन में, कि अगर आप अपना मार्कशीट लेने नहीं जाते हो, आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके गाइडेंस जाते हैं, तो उन्हें मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें मार्कशीट देना है, तो आपका पर्सनल अथॉरिटी लेटर उनके पास होना चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आपका कार्ड आइडेंटिफिकेशन आपका कार्ड होना चाहिए जो आपका पर्सनल हो, तब जाके आप आपके पेरेंट्स को वो चीज अलाउ किया जाएगा। अगर कैंडिडेट कलेक्ट नहीं कर सकता है, वो अवेलेबल नहीं है, या कोई प्रॉब्लम के वजह से वो अपना मार्कशीट नहीं कलेक्ट कर सकता है, तब ही पेरेंट्स जाके कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का अथॉरिटी लेटर होना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।